बहुत देर हो गई है, जल्दी से घर चलो। तुम्हें नहीं लगता नैनी टीचर ने आज कितनी अच्छी स्टोरी सुनाई थी? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें पता है मुझे प्रिंसेस वाली स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। और तुम्हें? मुझे तो फ्रेंडशिप वाली स्टोरीज पसंद है। मुझे लगता है हर किसी के पास अच्छा दोस्त होना चाहिए, लेकिन आजकल की दुनिया में सच्चे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है और दोस्तों के साथ खुश रहना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा? हाँ, स्कूल में भी मेरे काफी दोस्त है, पर जब भी मैं उनसे खेलने के लिए बोलती हूँ वो मेरे साथ नहीं खेलते, मैं अकेली ही खेलती हूँ। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ ही खेलना चाहिए क्योंकि दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। चलो छोड़ो भी ये बातें, चलो पिक्चर बुक देखते हैं जो मैं अभी लाइब्रेरी से लाई हूँ। हाँ? तुम दोनों ने भालू और लड़के वाली कहानी सुनी है? ये बहुत मजेदार है। हाँ, मैंने पढ़ी है, मुझे बहुत पसंद है। क्या सच में? पता है, इस कहानी में जो बच्चा है वो बिल्कुल सतोशी जैसा है, जो इसका बहुत अच्छा दोस्त है। है ना? अच्छा दोस्त? हाँ, सतोशी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और पता है वो भी मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता है। तुमको पता है मेरा भी एक बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ, तो तुम्हारा भी दोस्त है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और पता है खेलते भी साथ ही में है। सच में? और पता है आज उसका बर्थडे है और उसने मुझे पार्टी में भी बुलाया है। हाँ? ये तो अच्छी बात है ना? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। अरे सुनो नैनी, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है क्या? हाँ, दोस्त है तो, मगर वो सारे मेरे उतने अच्छे दोस्त नहीं है। पर ऐसा क्यों? तुम्हारे स्कूल में दोस्ती नहीं करते क्या? हाँ, क्या करे, तुम्हारा स्कूल मेरे स्कूल से ज्यादा अच्छा है। ये बात तो बिल्कुल सच है। ज्यादा खुश मत हो। इन सबको देखकर तो नहीं लगता कि इनमें से कोई भी मेरा दोस्त बन सकता है। हाँ, शायद मैं बिना दोस्त के ही ठीक हूँ। अरे रुक जाओ। अरे तुम ठीक तो हो ना नैनी? मैं ठीक हूँ। एक बात बताइए मात्सुजाका मैम, जब आप स्कूल में थी तो आपके अच्छे दोस्त थे? वैसे मैं किसी से दोस्ती नहीं करती थी, लेकिन तुम्हें पता है स्कूल में मुझसे हर कोई दोस्ती करना चाहता था। क्या हुआ? तुम्हें पता है स्कूल में हर कोई मेरे साथ लंच करना चाहता था, इसलिए हम सब साथ लंच करते थे, साथ घर जाते थे, और तो और हम साथ में खेला भी करते थे। और पता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? लेकिन मैम, मैं तो आपके अच्छे दोस्त के बारे में पूछ रही हूँ। अच्छे दोस्त? हाँ, मेरे कई अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं ज्यादा दोस्त नहीं बनाती थी। अच्छे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, इसीलिए तो हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता था, पर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैम, मेरी बात समझी नहीं। मुझे लगता है नैनी कोई अच्छा दोस्त ढूंढ रही है, तभी ऐसी बातें कर रही है। हमारे स्कूल में तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं एक अच्छा दोस्त कह सकूं, जो मेरी हर बात माने। अरे शिनचैन बॉल तो वापस कर दो। कम से कम ये चारों तो मेरे अच्छे दोस्त नहीं है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती, एक कंपटीशन रखो अच्छे दोस्त के लिए? हाँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा, अगर कंपटीशन नहीं करना है तो किसी और तरीके से पता लगाओ नैनी। तो फिर मात्सुजाका मैम, आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन अच्छा दोस्त बन सकता है? हाँ? अगर इन चारों में से एक अच्छा दोस्त चुनना हो तो आप किसको चुनेंगी, बताइए मात्सुजाका मैम। वैसे देखा जाए तो कजामा अच्छा दोस्त बन सकता है, वो बहुत समझदार है, है ना? कजामा की बात की जाए तो वो एक अच्छा दोस्त नहीं बन सकता है, क्योंकि कजामा तो हमेशा मुई पी से ही खेलता रहता है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं। कजामा, देखो मैं बहुत सारे टॉयज लाई हूँ। हाँ, ये किसके हैं? मॉम अब बहुत ही अच्छा कान साफ करती है, बहुत मजा आता है। कजामा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? अरे नानी, कैसी हो तुम? आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानती हो, हर हफ्ते मैं कजामा के कान साफ करती हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे भी कर दूँ। क्यों बेटा कजामा, मैंने सही कहा ना? नहीं आंटी, मेरे कान साफ है, आपने पूछा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम घर चली जाओ, मुझे कान साफ करवाने दो नैनी। बेटा, जाने से पहले कुछ खाना चाहोगी? नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं घर से स्नैक्स खा कर आई हूँ, चलती हूँ। वैसे एक बात सुनो। हाँ? मैं बहुत अच्छा सूप बनाती हूँ, कहो तो तुम्हारे लिए भी बना दो। क्यों कजामा? मॉम बहुत अच्छा बनाती है। हा? नहीं नहीं आंटी, मैं चलती हूँ। मुझे नहीं लगता कजामा मेरा अच्छा दोस्त बनेगा। ऐसा क्यों? कजामा तो मोईपी से ही खेलता रहता है, उसके पास मेरे साथ खेलने का टाइम नहीं है। तो मसाओ कैसा रहेगा? वो एक अच्छा दोस्त बन सकता है, वो कजामा की तरह बिल्कुल भी नहीं है, और वो तुम्हारी हर बात भी तो मानता है, ठीक कहा ना नैनी? मसाओ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे मेरे साथ पिकनिक में जाना बिल्कुल पसंद नहीं, और वो हमेशा रोता रहता है। तो क्या हुआ, दोस्त तो वो बन ही सकता है ना? मुझे रोने वाले बच्चे पसंद नहीं, खेलने वाले बच्चे बहुत
ऐसी बात है क्या? वो चैन कैसा रहेगा? नहीं, अब पकड़ने की बारी तुम्हारी। वो तो बहुत सिंपल है ना, तो वो तुम्हारा अच्छा दोस्त बन सकता है। तुम्हें क्या लगता है? अगर मैं बोचैन की बात करूँ तो वो अच्छा दोस्त बन सकता है, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ टी पार्टी खेलता है, लेकिन वो ज्यादातर टाइम अपनी रॉक कलेक्शन में लगा रहता है। अगर तुम सब में इसी तरह कमियां निकालती रही तो तुम्हें अच्छा दोस्त कभी नहीं मिलेगा। पर मैम, मुझे एक ऐसा दोस्त चाहिए जिसमें कोई कमी ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है शिनचैन मेरा एक अच्छा दोस्त जरूर बन सकता है, है ना मैम? एक बार फिर सोच लो नैनी, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही शरारती है? सही कहा ना? आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ शिनचैन। तो ठीक है, तुम्हें मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो शिनचैन, यानी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है नानी? क्योंकि तुम सबसे अलग हो। मेरी तारीफ के लिए शुक्रिया। मैंने इतनी भी तारीफ नहीं की इसकी। पर मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारा दोस्त बन पाऊंगा। मुझे नहीं पता, तुम्हें बनना ही पड़ेगा। मैम, हम बाद में मिलते हैं। चलो दोस्तों, तुम लोग भी आ जाओ। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, अच्छा दोस्त ढूंढना इतना आसान भी नहीं। I'm a heavyweight. I'm a heavyweight.